एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ जय बायो केमिस्ट्री में। आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, यानी शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण तंत्र का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है बेटा आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, तो मेनली इसी के बारे में। लेकिन कुछ जो आपके इंट्रोडक्शन में कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स की भी बात करता है तो हम उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़े अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले हमने ये देखा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, डाइजेशन में हमने ये देखा कि डाइजेशन में हमने कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स थे, जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया था। सिंपल फॉर्म में चेंज किया था, वो सिंपल फॉर्म क्या क्या था? वो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज था, वो सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड था जिसको मैं ए ए लिख देता हूँ, वो सिंपल फॉर्म लिपिड था, फैटी एसिड था। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड या फैटी एसिड और भी जितने मिनरल्स हैं, सोडियम पोटेशियम, जो भी अपने अपने फूड से यानी अपने भोजन से लिया है, इन सभी को मिनरल्स हो गए या फिर जितने ऑल टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हो गए ना, ऑल टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो इनको टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, कहाँ तक पहुंचाने के लिए? टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, टिश्यू के सेल तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम तो चाहिए ना, जो इन मिनरल्स को, आयंस को, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड को कहाँ तक पहुंचाए? सेल्स तक, क्योंकि सेल्स को ही तो जरूरत है ना फूड्स की, है ना, इन ग्लूकोज की, अमीनो एसिड की, लिपिड की, फैट की। तो इन न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक पहुंचाने, टिश्यू के सेल तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसको आप बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको आप क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिखूं तो वो जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो जो टेस्ट सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। यस और नो? ठीक है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म, मतलब या एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन जिम्मेदार है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन जिम्मेदार है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स हुआ क्या, डाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल थे वो सिंपल फूड पार्टिकल में बदल गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका जाके डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना, डाइजेशन से अमीनो एसिड बना, लिपिड बना, फैटी एसिड में हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को और अलग और भी प्रकार के मिनरल्स थे, आयंस थे, तो उन सबको सेल्स तक पहुँचाने के लिए, टिश्यू तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तो चाहिए ना। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है जिसको आप बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी, 1 मिनट, तो अब जितने भी, अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि जितने भी इसेंशियल चीज़ें हैं ना, मतलब जितने भी जो इसेंशियल इसेंशियल सब्सटेंस है, जैसे अब केवल, अब तो फूड पार्टिकल को नहीं,
अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन लिया, तो उस लंग्स को, लंग्स से ऑक्सीजन को हार्ट में पंप किया जाएगा। तो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने के लिए, और टिश्यू में जो CO2 बनेगा उसको वापस लंग्स तक पहुंचाने के लिए, वापस लंग्स तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए। इनके लिए भी गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए। तो उस सिस्टम की जो क्षतिपूर्ति है, उस सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन एक सिस्टम हमारे बॉडी में है उसको आप बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड बहता है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड बहता है जिसको आप क्या बोलेंगे बेटा, जिसको आप बोलेंगे ब्लड, सॉरी एक मिनट ना, जिसको आप क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो इसको आप क्या बोलेंगे, ब्लड बोलेंगे। ठीक है सर, आपने जो बोला वो तो ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हमारे ह्यूमन बॉडी में इसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हो गए है ना, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, और जो गैसेस है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए सर, और जो गैसेस है ना, जो गैसेस है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है गैसेस में, अगर आप ले लें गैसेस में, आप ले लें CO2 और आप O2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि CO2 हार्मफुल है हमारे टिश्यू के सेल्स के लिए, तो इसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और O2 हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मीडियम है जिसके थ्रू ये गैसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो मीडियम है हमारा ब्लड, वो मीडियम है हमारा ब्लड है। ठीक है सर, ठीक है ना? अब क्या, लेकिन अगर ये तो सर, ये तो हायर ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, ये हायर जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो उच्च श्रेणी के जो जीव हैं, है ना, अगर हिंदी में लिखना चाहूँ कि जो उच्च श्रेणी के जीवों में इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए आपका ब्लड पाया जाता है ना, इस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की पूर्ति के लिए जो चीज़ है वो है हमारा ब्लड। वो क्या है? हमारा ब्लड है सर, है ना? लेकिन सर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स है जो निम्न श्रेणी के जीव है ना, जैसे सर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं स्पॉन्ज को ले लूँ, है ना, स्पॉन्ज को ले लूँ, स्पॉन्जेस को ले लूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ सिलेंट्रेटा को ले लेता हूँ, या फिर अपन क्या ले लें, स्पॉन्जेस ले लिए है ना हमने, या फिर सिलेंट्रेटा को ले लिया, सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेट्स को ले लिया, तो सर स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में सर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए क्या पाया जाएगा? तो यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो सिस्टम है, कहाँ, एक तो स्पॉन्जेस और एक सिलेंट्रेटा में, यहाँ आपको बेटा वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, या फिर वाटर कैनाल सिस्टम नहीं बोल के यहाँ पास बोलना चाहिए, यहाँ पास वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है, यानी वाटर के थ्रू बॉडी कैविटी में चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर को। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यस और नो? ठीक है, एक्चुअली ये मेरा थोड़ा स्टाइलर है, सही से काम नहीं कर रहा। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अगर स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स को ले लें, तो ट्रांसपोर्टेशन की क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा?
इस मेथड की क्षतिपूर्ति के लिए वाटर देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं, अगर मैं, वो क्या करते हैं कि सराउंडिंग से, है ना, बाहर से, यानी अगर मैं बाहर से क्या करते हैं, बाहर से इनकी बॉडी कैविटी में एंटर करेंगे, बाहर से इनकी बॉडी कैविटी में एंटर करेंगे, है ना, बाहर से इनके बॉडी कैविटी में एंटर करेंगे, और जो इसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं, इसेंशियल जो मेन गैसेस हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, है ना, किसमें, सेल्स में, उनका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सब्सटेंस का एक्सचेंज करेंगे, यस और नो? तो बाहर से जो वाटर है वो इनके बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा, जिससे सब्सटेंसेस का, ना, किसका, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, यानी जो पदार्थों का जो विनिमय है ना, विनिमय जिसको बोलना चाहिए, पदार्थों का विनिमय या फिर जो एक्सचेंज है, वो उस माध्यम के लिए, अगर मैं लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पॉन्ज या सिलेंट्रेट्स की बात करूँ, तो वहाँ वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें जो जो वाटर है वो बाहर से इस बॉडी कैविटी में एंटर करेगा और जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा गैसों का, यस और नो? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, कि आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक एक तो ये है कि मैं शायद आपको लिखा लिखाया पेश कर दूं और डायरेक्ट पढ़ाऊं, तो उसमें शायद वो फील नहीं आता कि शायद हम पढ़े हैं, लेकिन अगर मैं लिखा लिखा के चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, किसकी बात करेंगे, ब्लड के बारे में, अपन पेन बदल लेते हैं, पेन कर लेते हैं ब्लू या फिर ग्रीन कर लेते हैं, नहीं ब्लड है तो फिर रेड, ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन ब्लड के बारे में, ब्लड, ठीक है ना? अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा ब्लड की, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले एक और बात, अगर मैं ब्लड को अगर मैं यहाँ पर सर्व करूँ, इरेजर कहाँ चले गया, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, या फिर हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो इन पर्पस के लिए, यानी जो गैसेस है ना, जैसे जो गैसेस है, जो गैसेस है, या फिर जो आपके इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड सिंपल फूड पार्टिकल जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड हो गए, है ना, तो आप इसको अगर मैं बोलूँ तो ये जो इसेंशियल 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 जो फूड पार्टिकल्स हैं, है ना, जो फूड इसेंशियल फूड या फिर इसेंशियल फूड ही बोलना चाहिए, है ना, जो सिंपल फूड पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड मिनरल्स जितने भी हैं, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में दो चीज़ें हैं, एक तो पहला ब्लड, जिनके थ्रू मेजरली ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक और फ्लूड, फ्लूड बहता है हमारे बॉडी में, जिसके थ्रू कुछ एंटीबॉडीज, कुछ स्पेशल टाइप के जो मिनरल्स हैं या जो फैट्स हैं, उनका एडजॉर्प्शन, उनका सर्कुलेशन इसके थ्रू होगा, और इस दूसरे फ्लूड का नाम है लिम्फ, क्या नाम है, लिम्फ नाम है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में, तो यहाँ एक सब ये ज़्यादा डार्क मत हो जाए, अब पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, ठीक है, अब देखो, अब जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है ना बेटा, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का मतलब केवल जो आपको रेड दिखता है वो चीज नहीं होता, है ना, तो अगर मैं ब्लड का एक अच्छा डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ब्लड क्या है बेटा, एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है या स्पेशल
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ज़्यादा सही होगा, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो जो ब्लड है वो एक प्रकार का स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये एक द्रव संयोजी ऊतक है ना, जो किससे किससे मिलकर बना होता है। तो जो हमारा जो ब्लड है इसमें तीन चीज़ें, एक तो सबसे पहला है इसका ब्लड का मैट्रिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स, है ना। तो ब्लड सबसे पहले सर, कि ब्लड तो सर ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। दूसरा दूसरा ब्लड में प्लाज्मा भी है, ठीक है। और जो तीसरा आएगा, इसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है, इसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है, फॉर्म एलिमेंट्स भी है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये जो आपको दिख रहा होगा, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, आरडब्ल्यूबीसी हो गया, जिसमें मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, इओसिनोफिल है, बासोफिल है और न्यूट्रोफिल है ना। तो जो हमारा जो ब्लड है वो एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात तो आप याद रखेंगे। क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखेंगे, कनेक्ट करने वाला ऑर्गन्स को या दो बॉडी सेल्स को, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी तो हेल्प कर रहा है, तो स्पेशल टाइप का फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में। दूसरा कि ये किससे किससे मिलकर बना होता है, हमारा जो ब्लड है, तो इसमें फ्लूड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यस और नो। अब हमको सबसे सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है सर। प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, तो हम जो प्लाज्मा है ना बेटा, प्लाज्मा है, ये हमारे ब्लड का मेजर पार्ट है, हमारे ब्लड का मेजर पार्ट है प्लाज्मा। मतलब हमारे ब्लड का जो 55% 55% पार्ट है वो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। हमारे ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा, या फिर ऐसा ज़्यादा अच्छा कहें कि हमारा जो ब्लड है इसमें 55% प्लाज्मा है ना। तो ऐसा लिखना चाहिए कि 55% का हमारा जो ब्लड है इसमें, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा लिखना चाहिए कि प्लाज्मा प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% पार्ट, पार्ट यानी भाग, पार्ट बनाता है। तो जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड का कितना परसेंट भाग बना रहा है? 55%, याद रखेंगे 55%, यानी हमारे ब्लड का मेजर जो पार्ट है वो कौन बनाएगा? प्लाज्मा बना रहा है। सर प्लाज्मा ये तो ठीक है सर, प्लाज्मा दिखता कैसा है? प्लाज्मा दिखना दिखता कैसा है? आप एक बार गूगल में जाइएगा और प्लाज्मा का कलर लिखिएगा, तो बेसिकली जो बताता है कि जो प्लाज्मा का जो कलर है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो कलर है ना बेटा, वो एनसीईआरटी इसको लिखता है स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर्ड, वो स्ट्रॉ कलर्ड लिखता है, मतलब जो एनसीईआरटी है वो। मेरे पास फोटो तो शायद नहीं है, फोटो होता तो मैं शायद आपको दिखा भी पाता, ठीक है। तो स्ट्रॉ कलर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं पेल येलो बोल सकते हैं, है ना, स्ट्रॉ कलर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं पेल येलो, या फिर एक अच्छा वर्ड क्या होना चाहिए, हाँ पेल येलो भी ठीक है, या फिर
स्ट्रॉ कलर्ड ही आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, स्ट्रॉ कलर्ड आप याद रखें, है ना। तो जिसका जो कलर है वो क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड है बेटा, मतलब ये हल्का पीला है, अगर हिंदी में बोलूँ तो हल्का पीले रंग का फ्लूइड है ये, हल्के पीले रंग का फ्लूइड है, हल्के पीले रंग का क्या है, ये फ्लूइड है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये हल्के पीले रंग का यानी स्ट्रॉ कलर का है, एक फ्लूइड है यानी एक फ्लूइड है, तो मतलब फ्लूइड ही है, ठीक है। अब जो हमारा प्लाज्मा है, जो हमारा जो प्लाज्मा है ये किससे किससे मिलकर बना होता है, जो हमारा जो प्लाज्मा है वो किससे किससे मिलकर बना हुआ है सर। पेन बदल लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो प्लाज्मा है इसमें जो मेजर पार्ट है, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में भी आप ले सकते हैं कि प्लाज्मा में बेटा आपका वाटर है, आपका वाटर है, दूसरा प्रोटीन्स है, प्लाज्मा जिससे मिलकर बना हुआ है। तो प्लाज्मा में 92 92% इसमें वाटर है, प्रोटीन है, और प्रोटीन आप ले सकते हैं 6 to 8% इसमें प्रोटीन है, और बाकी जो बचते हैं, बाकी जो बचते हैं उसमें आप मिनरल्स को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं आप, मिनरल्स को ले सकते हैं। मिनरल्स में आप लेना चाहें तो मिनरल्स में जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, और क्लोराइड आयन हो गया, है ना, और क्या लेंगे, मैग्नीशियम 2+ हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, है ना। तो ये मिनरल्स, तो प्लाज्मा का जो आप पार्ट देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा का जो मेजर पार्ट है वो वाटर है, वाटर से मिलकर बना हुआ है। 90 से 92% हमारा जो प्लाज्मा है वो किससे मिलकर बना, एक्चुअल में उसमें वाटर है 90 से 92%। दूसरा, प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन है और मिनरल्स भी हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वीडियम, है ना, और भी बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, कितने कौन कौन से सर प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से हमारे प्लाज्मा में हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो ये जो आप जो डायग्राम देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डायग्राम एक्चुअल में एक प्लाज्मा के प्रोटीन का ही है। ये जो आपको ये थ्रेड दिख रहे हैं ना, ये जो रस्सी टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअल में बेटा ये फाइब्रिनोजन का स्ट्रक्चर है, फाइब्रिनोजन, एक्चुअल में फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट कर रहा है। तो एक्चुअल में ये फाइब्रिनोजन का ही प्रोटीन है, जो क्या है, ये एक्चुअल में एक ब्लड क्लॉटिंग का पिक्चर है ना। अब देखते हैं, मैं जो बता रहा था कि जो हमारा प्लाज्मा है उसमें प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन उपस्थित है, तो ऐसा लिखना चाहिए, प्लाज्मा के प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्लाज्मा के प्रोटीन्स, प्लाज्मा के प्रोटीन। तो कौन कौन से प्लाज्मा में प्रोटीन है, तो अगर मैं सबसे ज्यादा मात्रा में बात करूं जो हमारे प्लाज्मा में मिलता है, तो वो आएगा बेटा आपका, वो आएगा आपका एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन आपके प्लाज्मा में अधिक मात्रा में मिलेगा, यानी आपके ब्लड में सबसे अधिक मिलने वाला जो प्रोटीन है वह है एल्बुमिन। एक मिनट, क्या है, एल्बू मीन्स है ना। तो एल्बू मीन्स आपके ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है बेटा, एल्बू मीन है, कौन है, एल्बू मीन है। अब सर एल्बू मीन का काम क्या है सर, तो अगर मैं इसको प्लाज्मा के जो प्रोटीन है इसमें पहला अगर मैं मेंशन करूं
तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है बेटा? एल्बुमिन है सर। एल्बुमिन का काम क्या है सर? तो जो एल्बुमिन है बेटा, ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है ना? तो क्या करता है एल्बुमिन? इट इज हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस, है ना? इट इज हेल्प इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ये हमारे ब्लड के या हमारे बॉडी के ब्लड ब्लड के ऑस्मोटिक ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस का ये रेगुलेशन करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस बैलेंस कौन करेगा बेटा? आपका ब्लड, सॉरी एल्बुमिन। तो जो प्लाज्मा में जो एल्बुमिन है, प्लाज्मा में जो एल्बुमिन है, उसका काम क्या है कि ये ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है, को बना के रखता है, को बना के रखता है। चल मैं स्टाइलर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसलिए सही लिखा आ रहा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, एल्बुमिन का काम तो हो गया। अब जो दूसरा जो प्रोटीन है, इसका नाम है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन, है ना? अगर इसके बाद अगर मैं फाइब्रिनोजन की बात कर लेते, चलो फाइब्रिनोजन सर, तो फाइब्रिनोजन का काम क्या है दूसरा? कि फाइब्रिनोजन की खास बात क्या है कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा वेट वाला अगर कोई प्रोटीन है तो वो कौन है? फाइब्रिनोजन है। तो वो कौन है? फाइब्रिनोजन है। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर आप लिखना चाहें तो ये ब्लड ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है या हेल्प करता है। सहायता करता है, ठीक है। तो एल्बुमिन के बारे में हमने पढ़ा कि एल्बुमिन क्या करता है, जो है प्लाज्मा का प्रोटीन है, जिसमें 6 to 8% प्लाज्मा प्लाज्मा में 6 to 8% आपका जो पार्ट है वो प्रोटीन बनाता है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन है। एल्बुमिन का काम क्या है कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है। फिर उसके बाद जो दूसरे प्रोटीन की बात करते हैं, फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन का जो काम है वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग से ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर क्या बोलना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है ना? तो इसकी जो ज़रूरत है वो ब्लड क्लॉटिंग में है। और जो तीसरा जो प्रोटीन है बेटा, इसका नाम है ग्लोबुलिन। तीसरा जो प्रोटीन है ये क्या है? ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन्स या ग्लोब्यूलिन्स लिखना चाहिए, ठीक है। अब ग्लोब्यूलिन्स की एक क्या खास बात है, आपने एक नाम सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम सुना होगा? इम्यूनो ग्लो ब्यूलिन ब्यूले इम्यूनोग्लोबुलिन, या जिसको आप इसको आईजी बोलते हैं, है ना? IgA होता है, IgG होता है, IgE होता है, IgM होता है, IgD होता है ना? तो ये बहुत प्रकार के आपके बोलना चाहिए, ये सब के सब एंटीबॉडीज है बेटा, दे ऑल आर एंटीबॉडीज। ये सब के सब क्या है? एंटीबॉडीज के टाइप है। ये सब के सब क्या है? एंटीबॉडीज के टाइप है। जो ग्लोबुलिन है ये क्या करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आपने नाम सुना होगा, डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका भाग बनाता कौन है? ग्लोबुलिन। तो ये हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है। तो ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है ना? डिफेंस मैकेनिज्म बोलना चाहिए, यानी सुरक्षा प्रणाली, है ना? सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है, डिफेंस मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म्स ना,
डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म से कौन संबंधित है? हमारा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसका काम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन, जो IgA, IgG, IgE, IgM, IgD होता है, एक्चुअल में ये सब के सब क्या है बेटा? एंटीबॉडी है, और ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है। ये हमारे किसे संबंधित है? डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है, डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित है। ठीक है, ठीक है सर। अब प्लाज्मा में मैं बोला कि कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आपके मिनरल्स भी है ना? प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में आपके मिनरल्स भी है, प्लाज्मा में आपके स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी हैं सर। ठीक है सर, मिनरल्स भी हैं। तो स्मॉल अमाउंट्स में जो मिनरल्स हैं उसमें मैं आपको नाम बता चुका हूँ कि आपका सोडियम प्लस है, कि मैग्नीशियम 2+ है, कैल्शियम 2+ है, हमारे हमारे ब्लड में पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है, बाइकार्बोनेट आयन भी है, और भी मिनरल्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इसके अलावा मतलब प्लाज्मा में ना, अभी प्लाट करें प्लाज्मा के सब प्लाज्मा में है, तो मिनरल्स प्लाज्मा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट में हमारे प्लाज्मा में आपको ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा, आपको ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा, आपको एमिनो एसिड भी देखने को मिलेगा, यस और नो? आपको फैटी एसिड तो देखने ही मिलेगा, क्योंकि डाइजेशन के समय हमारा फैट का जो डाइजेशन मतलब फैट का जो एब्जॉर्प्शन हो, तो लैक्टियल लैक्टियल लिम्फ के द्वारा होता है ना, तो आपको प्लाज्मा में तो ये तो देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, और भी जैसे आप लिपिड्स को मिलेगा, तो ये सब हमारे ब्लड हमारे प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेंगे एक्सेट्रा। इससे और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट में हमारे बॉडी में। समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, दूसरा बड़ी बात की है, आप ये एक इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है हमारे, ये RBCs है जो आप देख रहे हैं, और ये कैपिलरी या फिर किसी मतलब ओरिजिनल इमेज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, बट अगर बनाया भी गया हुआ तो आप कुछ ऐसा ही, अगर आप हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है बाद में कि हम ये देखने के लिए कैपेबल हो जाए कि हमारे वेसल्स या जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी कैपिलरीज या फिर आर्टरीज है, तो उनके अंदर ब्लड दिखता कैसे है, तो कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, यस और नो? समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कुछ आपको ऐसा ही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और केवल यही नहीं, आपके प्लाज्मा में बेटा अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा कहीं, तो एक और बात, ये प्लाज्मा में केवल फाइब्रिनोजन ही बस नहीं होता जो क्लॉटिंग फैक्टर है, और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और भी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, और भी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी आपके प्लाज्मा में देखने को मिलेगा, वो भी आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, क्योंकि अगर एक्टिव हो गया तो बेटा ये तो ब्लड को क्लॉट कर देगा, तो ये आपको ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव सॉरी इनएक्टिव फॉर्म में देखने को मिलता है, देखने मिलता है होता है, लेकिन अच्छे देखने को थोड़ी मिलता है, होता है, यस और नो? तो प्लाज्मा में और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, अदर अदर और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो आपको इनएक्टिव स्टेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब एक और खास बात, जिसको आप 3 स्टार पॉइंट मान लीजिए या 5 स्टार पॉइंट मान लीजिए, कि अगर हमारे प्लाज्मा से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं,
क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर हमने हटा दिया, हमारे प्लाज्मा से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया, तब जो हमको मिलता है उसको बोलेंगे बेटा सीरम। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सीरम। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि आप क्लॉटिंग फैक्टर से हाँ ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दे, तब जो आपको चीज़ मिलेगा उसको आप बोलेंगे बेटा सीरम। क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार कि आप अगर प्लाज्मा से अगेन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, तब आपको सीरम मिलेगा। तब क्या मिलेगा आपको? सीरम मिलेगा। यस और नो, यस और नो। समझ पा रहे हैं ना? तो ये था बेटा आज का प्लाज्मा के बारे में, जो हमको एक इंट्रोडक्शन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, पहले तो बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ जिसमें हमने प्लाज्मा को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमको फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो इमेज दिख रहा है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स का इमेज है, जिसमें हमको RBC पढ़ना है, WBC पढ़ना है और प्लेटलेट्स को पढ़ना है। WBC में हम ये भी पढ़ेंगे कि मोनोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, यूसिनो बैसो और न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको कल बताऊंगा कि ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, खून के बनने को क्या बोलते हैं। ठीक है, WBC का लाइफ साइकिल मतलब कितने, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, RBC का लाइफ स्पान कितना होता है, प्लेटलेट्स कैसे बनता है, और भी जितने भी मोनोसाइट लिम्फोसाइट यूसिनोफिल, इनके आपको मैं कार्य यानी इनका जो फंक्शन है हमारे बॉडी में वो बनाऊंगा। ठीक है, तो सर हमको एक चीज़ तो समझ में आया। क्या चीज़ समझ में आया? कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है, अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ, जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है वो मेजरली तो टू टाइप्स से, थ्री टाइप्स से मिलकर, वो तो जो मैट्रिक्स है वो तो अलग चीज़ है ना, जो मैट्रिक्स है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन 55% प्लाज्मा है। 55% कौन है? प्लाज्मा है। और 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म एलिमेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जगह नहीं हो पा रहा है। तो 55% तो आपका प्लाज्मा हो गया। ठीक है, फिफ्टी फाइव परसेंट 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत हमको क्यों है, क्योंकि डाइजेशन के पश्चात जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल थे उनको सिंपल फूड पार्टिकल्स में बदला गया था। जैसे डाइजेशन के बाद हमको ग्लूकोज बना था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अपटेक किया था, अमीनो एसिड बना था, लिपिड बना था, फैटी एसिड बना था। तो इनको सेल्स तक, टिश्यू के सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी माध्यम, एक प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे बॉडी में इस ट्रांसपोर्टेशन की क्षतिपूर्ति करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे अगर फूड पार्टिकल्स की तो हमने बात कर ली कि फूड पार्टिकल्स के लिए, लेकिन निरंतर हमारे बॉडी के सेल्स को O2 को सप्लाई करना है, फिर उसमें जो CO2 बन रहे हैं उसको बाहर भी निकालना है, क्योंकि CO2 हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल है, तो उसको लंग्स तक ले जाना है CO2 को, फिर लंग्स से ऑक्सीजन लाना है। तो ब्लड गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में भी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इसेंशियल सब्सटेंस हो गए, गैसेस एक्सचेंज हो गया, इसमें भी हमारा ब्लड मुख्य जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन देखो, अब सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हायर ऑर्गेनिजम्स में, तो उच्च श्रेणी के जीवों में तो आपका क्या पाया जाता है? आपका ब्लड पाया जाता है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे स्पॉन्ज हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, इसमें आपको वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा।
जिसमें क्या होता है, बाहर से पानी को बॉडी कैविटी के अंदर लिया जाता है और इसी पानी में जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इसी पानी के थ्रू आपके बॉडी कैविटी में जाते हैं। ठीक है, अब गैसियस, मैं बोला कि हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज, एसेंशियल फूड जो बने हुए हैं, जो भोजन थे, वो केवल इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, केवल ब्लड अकेले ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, गैस और जो एसेंशियल फूड पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के हमारे बॉडी में दो चीज़ें हैं, एक तो ब्लड भी है और एक दूसरा लिम्फ भी है। एक्चुअल में लास्ट में लिम्फ मिलता तो ब्लड में ही है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दो प्रकार के हमारे बॉडी में फ्लूड पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब ब्लड की बात कर रहे थे कि ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड मैट्रिक्स और प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। प्लाज्मा का जो कलर है वो स्ट्रॉ कलर है, यानी हल्का पीला रंग का कलर है, हल्के पीले रंग का जड़ है। जो हमारे जो प्लाज्मा है वो मेजरली वाटर से मिलकर बना हुआ है, वाटर में वो भी 90 to 92%, 6 to 8% प्रोटीन है और मिनरल्स हैं, सोडियम पोटेशियम है ना, और ट्रांजिशन स्टेट में आपको ग्लूकोज, अमीनो एसिड भी, फैटी एसिड भी आपको देखने को हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के अगर जो प्रोटीन जो 6 to 8% बता रहे हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका एल्बुमिन मिलेगा, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक रेगुलेशन का मुख्य जिम्मेदारी या ऑस्मोटिक बैलेंस का जो मेन काम है वो आपका एल्बुमिन प्रोटीन करता है। ब्लड में फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, फाइब्रिनोजन क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करेगा। और जो एल्बुमिन है बेटा, एल्बुमिन ये इम्यूनोग्लोबुलिन का पार्ट है, यानी डिफेंस सिस्टम का एक मैकेनिज्म है ना, तो ये एंटीबॉडी बनाने के लिए आपका मेन चीज़ है। यस और नो, मिनरल्स भी हैं, आपको मैं बोला था प्लाज्मा में हमारे सोडियम है, मैग्नीशियम, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट है, और भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा में आपको ग्लूकोज भी देखने में, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड एंड एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा में अदर अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स और भी अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं फाइब्रिनोजन के अलावा, जो क्लॉटिंग फैक्टर ये सब मिलके ब्लड को क्लॉट करते हैं, जो कि प्लाज्मा में आपको इनएक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अब प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हो, प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हो, तब जो चीज़ बनता है उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, उसको आप बोलेंगे सीरम बोलेंगे। तो उसको आप क्या बोलेंगे, सीरम, यानी प्लाज्मा से आपने क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया तो आपको क्या बनेगा, सीरम बनेगा। 5 स्टार टॉपिक है, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, यस और नो, समझ पा रहे। तो आज प्लाज्मा को यही कंप्लीट करते हैं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।